ठंडी के दिनों में गर्मा गर्म पिठला और ज्वारी की भाकरी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल में पिठले की रेसिपी। तो सबसे पहले कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। तो मैं ये पिठला सिर्फ खुद के लिए बना रही हूँ, मतलब एक इंसान के लिए, तो उसके अनुसार सारी सामग्री जाएंगी इसमें। तो मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद सरसों डाला है, जीरा डाला है, लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च को ऐसे लंबा काटा है क्योंकि अगर मुँह में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तीखी लगेंगी, तो इसे आप निकाल भी सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाला है, उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून ले लिया है। फिर उसमें मैंने हल्दी और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच बेसन डाला है। तेल में ही इसे अच्छे से भून लेना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ बेसन को अच्छे से तेल की कोटिंग आ जाए। तो अभी इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे, आप चाहो तो गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ठंडा पानी ही डालती हूँ। तो इससे होता क्या है कि इसकी कुकिंग कुकिंग प्रोसेस रुक जाती है, तो ये अच्छे से लम्स नहीं पड़ते और ये अच्छे से मिक्स हो जाता है पानी में, बिल्कुल भी इसकी गुठलियाँ नहीं बनती। अगर आप ठंडे पानी में घोलकर इसमें डालोगे तो ये कच्चा कच्चा लगता है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ हर बार, और ये हर बार ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अभी देखिए बहुत ही जल्दी ये मिल गया है पानी में। तो देखिए थोड़े से बेसन का इतना सारा हो जाता है, हरा धनिया डाला है इसमें ढेर सारा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक्कन रख के हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लेंगे। देखिए उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे, इसे एक चम्मच दे देंगे ताकि नीचे से जले ना। तो देखिए इस तरह से ये हो चुका है, लेकिन हमें इसे और पकने देना है। तो अभी हम इसे ढक्कन रख के धीमी आंच पर पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद ये देखिए अपना पिटला तैयार है खाने के लिए। अब इसे रोटी के साथ, ज्वारी के भाकरी के साथ, या फिर बची हुई रोटी जो रात को बच जाती है उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और झटपट बनकर रेडी होता है। तो देखिए कितना मस्त दिख रहा है। तो आप भी बनाइए और खाइए, और मुझे बताइए कैसा बना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।